हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डरावनी दुल्हन की स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। और गाइस, फाइनली गोकुलधाम सोसाइटी में जेठालाल आ चुका है। और गाइस, जेठालाल के आने के बाद ये बात तो कन्फर्म है कि गोकुलधाम सोसाइटी में इस डरावनी दुल्हन या फिर ये भूतनी, इसका चेहरा सामने आने वाला है। और इसके साथ ही सारी सच्चाई भी, और इसके साथ ही ब्रोकर विकी की सारी सच्चाई भी कि आखिरकार मोहनलाल के फ्लैट का पूरा माजरा क्या था और ये जो भी लोग कर रहे थे वो आखिरकार क्यों कर रहे थे। सो गाइस, जैसा कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि गोकुलधाम सोसाइटी में ब्रोकर विकी ने किसी फ्रॉड बाबा के थ्रू मोहनलाल के फ्लैट में जाने का रास्ता बंद करवा दिया है। और इसके साथ ही गोकुलधाम वालों को ये भी बोल दिया है कि गोकुलधाम के सही मेंबर्स रात को घर से बाहर ना निकले। सो गाइस, अब यहाँ पे एक बात जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी। गाइस, इससे पहले गोकुलधाम सोसाइटी में चालू पांडे आ चुके हैं जो कि इस बात की तहकीकात करने के लिए आए थे कि आखिरकार मोहनलाल के फ्लैट का पूरा माजरा क्या है। और उस समय चालू पांडे ने अपने लॉजिक के थ्रू गोकुलधाम वालों को ये दिलासा दिलाया था कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ एक उनका भ्रम था। यानी कि चंपकलाल और पोपटलाल की बातें सुनने के बाद गोकुलधाम मेंबर्स को कोई भ्रम हो गया था। लेकिन गाइस, यहाँ पर अब भी गोकुलधाम मेंबर्स के पास एक रास्ता था। यानी वो चाहते तो मिस्टर चालू पांडे को कॉल करके बुला सकते थे बजाय किसी बाबा या फिर तांत्रिक के पास कॉल करने के, क्योंकि इस समय गोकुलधाम मेंबर्स ने दिन के टाइम पर ही उस भूतनी को देखा था। और इस समय गोकुलधाम सोसाइटी में एक ने नहीं बल्कि गोकुलधाम के सही मेंबर्स और बेंगलोर से आए कुछ कपल्स और उस ब्रोकर विक्की ने भी उस भूतनी को देखा था। तो इस समय गोकुलधाम के मेंबर्स चालू पांडे को ये बात बता सकते थे कि एक बार हमें भ्रम हो सकता है लेकिन दूसरी बार और इतने सारे लोगों को नहीं। लेकिन भाई नहीं, यहाँ पर तुम्हें किसी तांत्रिक को कॉल करना है और किसी तंत्र मंत्र के द्वारा ही उस भूतनी को भगाना है। सो इस बार आप बताइए कि आपको क्या लगता है, जब गोकुलधाम सोसाइटी के सही मेंबर्स इतने एजुकेटेड और काफी समझदार हैं, उसके बावजूद भी वो किसी तांत्रिक को ही कॉल कर रहे हैं। सो इस बार आप बताइए, क्या गोकुलधाम वालों को चालू पांडे को कॉल करना चाहिए था या फिर किसी तांत्रिक बाबा को? आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।